साल में कितनी बार लगता है खरमास? जानिए सही तिथि और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। खरमास का महीना बेहद विशेष माना जाता है। इस दौरान भगवान सूर्य की पूजा का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भोजन और कपड़ों का दान करना चाहिए, साथ ही संतों और गायों की सेवा भी करनी चाहिए। खरमास माह को तीर्थ यात्रा करने के लिए भी शुभ माना जाता है। जो लोग इस माह में शुभ फलों की इच्छा रखते हैं, उन्हें भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। खरमास की शुरुआत आज यानी 14 मार्च यानी दिन गुरुवार से शुरू हो गई है, वहीं इसका समापन 13 अप्रैल को होगा। खरमास पूरे एक महीने तक रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। हालांकि इस अवधि में पूजा पाठ पर जोर दिया जाता है, जिससे इसका कोई बुरा असर हमारे जीवन पर ना पड़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु और मीन राशि के स्वामी देवों के गुरु बृहस्पति हैं। ऐसे में जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तो इस दौरान खरमास लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि लोगों को इस समय ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों को करने की सलाह दी जाती है। खरमास साल में दो बार लगता है। एक बार तब लगता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। खरमास सनातन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण समय है जो पूरे एक माह तक चलता है। इस दौरान सूर्य अपनी स्थिति बदलता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने लोगों को धार्मिक गतिविधियां ज्यादा करनी चाहिए, जैसे पवित्र नदी में स्नान करना, मंदिरों के दर्शन करना और भगवान सूर्य को नित्य जल चढ़ाना आदि। इसके साथ ही इस माह में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। आपको बता दें कि इस महीने गीता और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करना भी और जरूरतमंदों की मदद करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। ऐसे में अगर आप अच्छे जीवन की कामना करते हैं तो आपको इस महीने में शुभ कार्यों पर जोर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।